हे गाइस वेलकम बैक टू माय डिजिटल फैमिली। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आज मैं दिखाने वाला हूँ एक एक्सट्रैक्शन केस, मतलब दांत को कैसे उखाड़ते हैं और प्लस उनकी एज जो है वो 55 है, 50 क्या 60 के अप्रॉक्स है जो उन्होंने मेरे को बताया कि, तो उसमें उनको शुगर बीपी दोनों है और वो बीपी की टैबलेट नहीं खाती हैं बट शुगर की वो टैबलेट लेती हैं। तो इस केस में कैसे क्या करना चाहिए वो चीज़ को हम बात करने वाले हैं। तो उस चीज़ में अगर आप सेफ वाइज एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी है तो उसमें आप ट्रेनेक्सा खिला दीजिए, 15-20 मिनट वेट करवाइए और देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन करिए। तो उससे क्या होगा कि उनका जो पेन, जो ब्लीडिंग होगी वो फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा। और उनको 2-3 बार आप कॉटन की ड्रेसिंग दे दीजिए और उनको घर पे भी जाके आपको ये बोलना है कि आप बार बार कॉटन को उसको दबाए जिससे कि ब्लीडिंग ना ज़्यादा आए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है और इस पेशेंट में कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ लाइव वीडियो के साथ। तो चलिए हम पेशेंट के साथ देखते हैं कि क्या कैसे उनका निकालते हैं हम लोग और क्या उनका रिएक्शन होता है। तो चलिए। अच्छा ये वाला और इधर वाला कौन सा? ये दर्द हो रहा है, ठीक है। और कब से दर्द हो रहा है? ठीक है, इसको बचाना नहीं है ना, इसको निकलवाना ही है ना। मैं सोच रही बचा लूं, पर बचाऊं तो फिर ये दुख रहे जो साफ हो जा जाते। वो तो हम कर देंगे, आप पैसे के बारे में सोचिए जो पैसा लगने वाला है। तो ये साफ कर दो तो अच्छे हो रही है और भी। तो 2000 रुपए एक दांत का, तो दो दांत का हो जाएगा फिर 4000 रुपए, फिर वो करेंगे नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा बता रही तो जो भी है अब ये है तो अब क्या करें बताइए, निकाल दे कि बचा ले? बताइए बताइए क्या क्या कर रहे हैं ये। इसमें देखिए पूरा, ये भी इसके बगल वाला भी सड़ रहा है, ये भी थोड़ा सा केरीज हो गया है। बताइए क्या करना है? निकाल दो, पर आँख के जड़ तो नहीं चल जाए? नहीं चले जाएगा। तो मैं आंधी हो जाऊंगी? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अभी नहीं हुए, आप 3-4 दांत इधर निकलवाए। नीचे का निकल गया तो ऊपर का है? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, निकाल दे कि बचा ले। निकाल दो तुम तो निकाल दे, निकाल दो दुखी। ठीक। चिल्लाइए नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, हाथ खा दीजिए। रुक गया? नहीं रुक रहा है, ठीक है लगाओ, ठीक है। आपको 2 दिन तक थूकना नहीं है, गरम और मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, जो भी खाना है ठंडा और पतला, दूध दलिया खिचड़ी कुछ भी आप खा सकते हैं, आप समझ गए? ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना है, बस आपको ठंडा और पतला दूध दलिया खिचड़ी ये सब खा सकते हैं, ठीक है। और जो दवाई देंगे 4-5 दिन बाद आप दिखा लेना, ठीक है। चाय वाय पीते हैं तो कोशिश कर सकते हैं 1-2 दिन ना पिए, कोशिश कर सकते हैं ना, ठीक है कर लीजिएगा, जैसे कि आपका घाव अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप आ जाइए कि दांत लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।